झारखंड से पहुंचे नौ हाथियों के एक झुंड ने रजौली प्रखंड के चितरकोली और दूधी माटी गांव में जमकर उत्पात मचाया। दोनों गांवों में कई घरों को झुंड ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। शुक्रवार की रात लोगों की नींद उड़ी रही, लोग रत जगा करने को मजबूर रहे। चितरकोली पंचायत के दूधिया माटी गांव के बिरहोर टोला में नल जल योजना से बने वाटर टैंक को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है और कई लोगों के घरों को तोड़ दिया, जिससे लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि शुक्रवार की सुबह रतनपुर गांव से सटे जंगल में हाथियों के झुंड को देखा गया था। जंगल में कई पेड़ों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया था। इसके पहले भी रतनपुर गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर कुशन गांव में झुंड ने उत्पात मचाया था। वहां भी कई घरों को क्षति पहुंचाई थी। रतनपुर जंगल में हाथियों को रोकने के लिए कई एहतियातन कदम उठाए गए थे, इसके बावजूद झुंड जंगल से निकल चितरकोली और दूधी माटी गांव में जाकर तोड़फोड़ मचाई। वहीं हाथियों के झुंड के आबादी की तरफ बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग और रजौली थाना की पुलिस की चिंता भी बढ़ गई है। रतनपुर में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए गांव की सीमाओं पर लकड़ियां जलाई गई थी, ताकि आग देखकर हाथी गांव में नहीं घुसे। लेकिन हाथियों का झुंड जंगल से होते ही चितरकोली और दूधी माटी गांव प्रवेश कर गया। इधर आपात स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग की टीम और रजौली थाना की पुलिस पूरी तरह एक्टिव मोड में है। हाथियों को आबादी की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जंगल से सटे गांवों की सीमाओं में लकड़ियों का ढेर जलाया जा रहा है। गांव में भी मुनादी कराई जा रही है, ताकि कोई जंगल की तरफ या हाथियों के नजदीक ना जाए। देवी स्थान को पूरा हाथी आकर के अचानक तोड़ दिया है। करीब लाखों रुपए का नुकसान है और जानवर धूर माल जाल आदमी पर भी प्रहार कर सकता है। कभी भी आज भी हाथी इधर ही जंगल में है। इसका सूचना किसी को दिए हैं आप? सूचना सभी जगह पड़ा हुआ, मगर कोई आया नहीं। न फॉरेस्टर आया, न थाना से आया, न और कहीं से आया। कोई देखभाल नहीं किया है। हाथी यदि कुछ हो जाता तो सारा जुट जाते हैं, समझ गए ना? आदमी को मार देता है या कुछ कर देता है, हाथी को कुछ हो जाता पूरा घेर लेता। मगर यहाँ जो नुकसान लाखों रुपए देवी स्थान में कर दिया, इसका कौन मुआवजा देगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा कि थाना देगा कि सरकार देगा? इस तरह का बात है। जानवर झूल के भी मार सकता है, आदमी जन के भी मार सकता है। कोई आज तक नहीं आया हुलकने के लिए। यहाँ देवी स्थान था, किसी का घर तोड़ दिया, कोई देखा ही नहीं पड़ता वो लोग का। आपका है, बोलिए। हाँ सर, बोलिए बोलिए। कह रहे थे सर कि क्या पोजीशन है ये हाथी वाला? सर हाथी वही आराम फरमा रहा है नाला में। नाला में है सर? और तो मैंने नवादा जिला के सीमा में हेल गया है कि बाहर है? नवादा, नवादा में, नवादा में, नवादा में घूम रहा है जी। अच्छा अच्छा सर, तो अभी हैं आप सर रजौली में ही? नहीं, हम तो नवादा में हैं। अच्छा ठीक, ठीक है सर, ठीक ठीक।